जीव दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के मुख्य अंश। उपराज्यपाल के स्काउट और गाइड वार्षिक शिवराग्नि को प्रज्वलित। तटरक्षक महानिरीक्षक ने किया जगमपुर में तटरक्षक दाम्पत्य आवास का उद्घाटन। और सोने के सिक्के के चोरी मामले में 3 गिरफ्तार। अब जीव दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल ने द्वीप समूह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और स्वास्थ्य संबंधी अहम मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 26 अप्रैल को राजनिवास में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव, विधि सचिव, उपराज्यपाल के सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और परामर्शक भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने मायाबंदर के डॉक्टर आरपी अस्पताल में प्रस्तावित डायलिसिस इकाई को चालू करने में धीमी गति से हो रहे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि कार्य के निष्पादन के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें, ताकि 25 मई तक यह इकाई उद्घाटन के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने अपने पहले के निर्देशों को फिर से दोहराया कि समय पर तरीके से सभी आवश्यक निर्णय ले लिए जाए, ताकि 2015 तक कॉलेज को शुरू किया जा सके। उन्होंने हर 2 हफ्ते में कार्य की निगरानी और समीक्षा का मुख्य सचिव को निर्देश दिया। उन्होंने इससे पहले दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की तथा संबंधित मसलों पर की गई कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया। पोर्टलेट के नेताजी स्टेडियम में डीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित स्काउट व गाइड वार्षिक शिविर का समापन 25 अप्रैल को हुआ। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह मुख्य अतिथि थे। सबसे पहले स्टेडियम परिसर में नगर पालिका के अध्यक्ष के गणेशन, दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा मरियम बीबी, प्रधान सचिव रीनारे पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि उपराज्यपाल और मुख्य सचिव आनंद प्रकाश कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां प्रशिक्षणार्थियों ने उनका स्वागत किया। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में शिवराग्नि को प्रज्वलित किया। शिवराग्नि के बाद स्काउटों और गाइडों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।